मछली ने समाचार सुने, लेखन वेंकट रमन गौड़ा, चित्रांकन श्री कृष्णा केरीलाया, हिंदी अनुवाद के विजया। एक छोटा सा गांव था, वहां एक नदी थी। उसमें मछली, मेंढक, कछुए सब खुशी खुशी रहते थे। मछलियों का परिवार बहुत बड़ा था। मेंढक और कछुए मछली के परिवार को बड़ी इज्जत देते थे। मछलियों के घर में एक बड़ा सा रेडियो था, उनकी इज्जत इससे और भी बढ़ गई थी। मछलियों के घर एक बुजुर्ग मछली थी, जिसका कहना मेंढक और कछुए भी मानते थे। उसे सब दादा कहते थे, लेकिन कोई भी उसे रेडियो सुनने का मौका नहीं देता था। फिल्मी गीत सुनना सभी को बहुत पसंद था। छोटी छोटी मछलियाँ, मेंढक और कछुए हमेशा रेडियो से चिपके रहते। इसीलिए बड़ी मछली रेडियो पर समाचार सुनने को तरसती रह जाती। कई तरह से बच्चों को पटाकर, मिन्नते कर, जब भी वह बच्चों से रेडियो लेती, तब तक समाचार खत्म ही हो जाते थे। अब समाचार समाप्त हुए, बस कभी कभार ये ही सुनने को मिलता। उस दिन भी यही सिलसिला चल रहा था, पर वह समाचार का आखिरी हिस्सा सुन पाई। उसे बहुत खुशी हुई कि कम से कम इतना तो सुनने को मिला। लेकिन वह समाचार तो खुश करने वाला नहीं था। नदी में दवाई छिड़क कर मछलियों को पकड़ने वाले आ रहे हैं। अनेकों नदियों से ऐसे ही वे लोग मछलियां पकड़ कर ले गए हैं। यह सुनकर उसे गहरा धक्का लगा। बाकी मछलियों को भी यह समाचार पता चला। मेंढक और कछुए भी बहुत डर गए। क्या करे, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। सब निराश होकर बैठ गए। रोज की तरह दादा से रेडियो छीनने कोई नहीं आया। आगे की चिंता सभी को सता रही थी। उसी समय उस शहर के मुखिया की बेटी गगरी उठाए पानी भरने आई। मुखिया और दादा मछली अच्छे दोस्त थे। दादा ने उस लड़की से मुखिया को वहां आने का संदेश भिजवाया। मुखिया तुरंत नदी की ओर चल पड़ा। उसके आते ही दादा ने मुखिया का स्वागत कर उसे बिठाया। घर के भीतर की ओर पुकार कर कॉफी बनाने के लिए कहा, फिर रेडियो पर सुनी बात बताई। मुखिया घबराया, बोला, हाय, ऐसा क्या? थोड़ी देर सोचने के बाद उसने कहा, आप बिल्कुल चिंता ना कीजिए, आपको कोई तकलीफ ना हो, इसकी व्यवस्था मैं करूंगा। सभी की मानो जान में जान आई। कॉफी पीकर मुखिया उनको निश्चिंत रहने का ढाढ़स बांधकर घर गया। सभी को लगा कि दादा मछली ने अगर उस दिन वह समाचार न सुना होता तो यह दुर्घटना घट ही जाती। सबने निश्चय किया कि आगे से दादा का ख्याल रखेंगे।